कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा रसायन विज्ञान कक्षा 11 देख रहे हैं, पेपर कोड आपको दिखाई दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय का पेपर है, समझ रहे हैं, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी हल करने हैं, देख रहे हैं ना। सिर्फ आपको क्या करना है, कई सेट मिलेगी आपको पेपर, या सेट टू होगा, एक सेट पहले डाला जा चुका है, सेट टू है आपका, बहुत पेपर आपको मिलेंगे। शेयर करना आप नहीं भूलेंगे, शेयर करिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना अधिक आपको पेपर मिलेगा, समझ रहे हैं। अगर आप नवीन छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे, देख रहे हैं ना। और आपको वीडियो 10-15 सेट चाहिए तो शेयर करना है, ऑल इंडिया में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, पूरे यूपी में, पूरे भारतवर्ष में, इससे अच्छा चैनल कोई नहीं जहां 15-20 सेट मिलते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं। जो बच्चा पढ़ाई का वीडियो देखकर कमेंट करेगा उसके बारे में जल्दी ध्यान दिया जाएगा, बहुत से क्वेश्चन डाले गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब भी पढ़ाए गए हैं, पढ़ाई इंटरेस्ट लीजिए, शेयर करिए, शेयर करना नहीं भूलेंगे तभी आपको पेपर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, देख रहे ना, निर्देश नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जल में एच रेशियो ओ का भारात्मक अनुपात है, तीसरा विकल्प सही है 1:8। दूसरा, जब दिवांशी, देख रहे ना, दिगांशी क्वांटम संख्या यल बराबर 0 तो कक्षक की आकृति होगी, इसको मैंने बहुत ढूंढा नहीं प्राप्त कर सका, देख लेना, इसमें है डम्बल, दूसरा विकल्प सही है डम्बल। पी ब्लॉक का तत्व है, इसको नहीं ढूंढ पाया मैंने, ढूंढते ढूंढते, कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, निम्न में से किसकी विसरण गति अधिकतम होती है, 0O2 CO2 CO NH3 NH3 का ज़्यादा होता है। चौथा अपना देख लें कौन सा ही है, दूसरा क्वेश्चन में अंक भी देखते चलिए। दूसरा है, मोल की परिभाषा दीजिए, परिभाषित कीजिए, मोल को परिभाषित कीजिए। नोडल तल किसे कहते हैं, मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम लिखिए, हाइड्रोजन बंध का उदाहरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, 20 मोल HE में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे लिखा गया PTO, प्लीज टर्न ओवर, तो वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, आपको शेयर करना नहीं भूलेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक पेपर मैं आपको दूंगा, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। यस तथा 2Z+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आयनिक बंध किसे कहते हैं, उत्पादन ऊष्मा किसे कहते हैं, पावली का नियम लिखिए, जहां N=1 के नियम के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। यस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण लिखिए, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। स्थिर दाब तथा 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का आयतन किस ताप पर दुगुना हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पाई बंध को उदाहरण सहित समझाइए। खा, हैंस के ऊष्मा संकलन नियम को समझाइए। परमाणु क्रमांक 112 तथा 116 का IUPAC द्वारा नाम लिखिए। अगला है, ग्राहक के विसरण नियम को समझाइए। हुंड के बहुलता नियम को लिखिए, इसका नियम के आधार पर N2 में इलेक्ट्रॉनों का विसरण समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, परमाणु त्रिज्या, आयतन, विभव, संस्करण किसे कहते हैं, SP संस्करण तथा SP² संस्करण को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा आदर्श गैस समीकरण की सहायता से मानक ताप तथा दाब पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। R = 0.0821 लीटर से वायुमंडल डिग्री -1 मोल -1 के बारे में लिखना है। निम्न को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, ऑफ वाउ का नियम, अथवा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। वैद्युत संयोजन तथा सहसंयोजक आबंध युक्त सारणियों यौगिकों को इस गुणों की तुलना कीजिए, अथवा ये दिया गया सारणी पूरा देख रहे हैं ना लिखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।